हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में दिखाए थे कि जो कोयल है वो इंस्टॉल करना पहला ग्रुप का। तो ये देखिए, एक ग्रुप जो रनिंग का है एक डाल दिए हैं, दूसरा ग्रुप डालेंगे। तो दूसरा ग्रुप डालने के लिए देखिए, दूसरा ग्रुप भी बना के रखे हुए हैं। इसमें ये चार कोयल का एक सेट है। तो पहले के जैसे ही इसको देखिए, इस तरफ उल्टा साइड साइड है, ये कनेक्शन साइड है, इस तरफ कनेक्शन साइड है। तो इसको सीधा कर लेते हैं। अभी दूसरा डालने के लिए बीच में ये देखिए, ऊपर से तीन छोड़ देंगे, इधर से भी तीन छोड़ देंगे और इस तरफ से भी तीन छोड़ देंगे और बीच में चार। सबसे छोटा जो ये देखिए, सबसे छोटा कोयल है उसको ले लेंगे। इसका भी ये जो कनेक्शन, ये जो इनर वायर है वो लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे और जो इनर वायर ये होगी, आउटर वायर ये दाहिना हाथ तरफ रहेगा और दूसरा तार से जो लगा हुआ है। तो इसको पहले डाल देते हैं, ये भी 1 से 6 में जाएगा और ऊपर से तीन स्लॉट छोड़ देंगे। ये देखिए, तीन स्लॉट इधर छोड़ देंगे, जो चौथा है उसमें डाल देंगे। देखिए, पहला जो कोयल है, जो दूसरा ग्रुप का, वो पहला कोयल डाल दिए छोटा वाला, और ये इसका इनर वायर है और इधर का जो आउटर वायर है, ये आउटर वायर देखिए दूसरा कोयल से लगा हुआ है। तो फिर उसी तरह से वायर तार को भी पूरा अच्छा से अरेंज कर दिए हैं ताकि स्टार्टिंग कोयल डालने में दिक्कत नहीं हो। और ये दूसरा कोयल को डालते हैं। ये देखिए, दूसरा कोयल भी डाल चुका है। अब ये तीसरा कोयल डालेंगे, दूसरा कोयल का जो आउटर वायर है वो तीसरा से लगा हुआ है। तो तीसरा कोयल भी डालेंगे और ऐसे ही अरेंज कर देंगे ताकि स्टार्टिंग कोयल डालने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तीसरा कोयल भी डल चुका है और वो लॉक भी कर दिए हैं। अब लास्ट लास्ट कोयल बचा हुआ है और ये जो तीसरा कोयल का जो आउटर वायर है वो चौथा से लगा हुआ है और ये इसका आउटर है। तो इस तरह से चौथा कोयल को भी इंस्टॉल कर देंगे और अरेंज भी कर दिए अच्छा से ताकि टच ना करे स्टार्टिंग में। अब देखिए, पूरा ये रनिंग कोयल है वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है और ये था दूसरा वायर, जो दूसरा कोयल था उसका ये इनर वायर है और ये जो लास्ट हुआ है वो आउटर वायर है। इसी तरह ऊपर वाला कोयल का जो ये सबसे छोटा जो निकला कोयल था उसका इनर वायर ये है और बड़ा वाला का ये आउटर वायर ये है। तो ये इसे मोड़ के रख दिए, बाद में कनेक्शन करेंगे उस समय इसको निकालेंगे, तब तक इसको अंदर रख देते हैं। अब ये रनिंग कोयल इंस्टॉल हो चुका है। अब स्टार्टिंग के लिए मेजरमेंट करेंगे कितना लंबाई बनाना पड़ेगा कोयल। ये देखिए, अच्छे से इसको लगा दिए हैं, इस तरफ से भी देखिए दोनों तरफ से अच्छा से बैठ चुका है और अब स्टार्टिंग के लिए कोयल बनाएंगे। अभी जो स्टार्टिंग के लिए जो कोयल बनाएंगे, देखिए पूरा स्लॉट भर चुका है और 8 स्लॉट खाली है। देखिए, बीच में 1, 2, 3, 4, चार इस तरफ और चार इस तरफ खाली है। देखिए, चार इस तरफ खाली है, टोटल मिला के 8 स्लॉट हो गया। अभी जो कोयल बनाएंगे वो ये देखिए, ये पहला वाला से लेके इससे और इसमें बनाएंगे एक, और दूसरा कोयल होगा वो ऊपर वाला से लेके इसके एक ऊपर वाला तक होगा। तो दो अभी स्टार्टिंग का जो बनेगा, एक ग्रुप में 2 कोयल होगा, एक इसके लिए एक इसके लिए, और 2 ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप इस तरफ एक ग्रुप ऊपर तरफ। टोटल 2 ग्रुप बनाएंगे या दोनों ग्रुप में दो दो कोयल होगा। और इसका जो पिच होगा 1 से 10 और 1 से 12 होगा।
जो स्टार्टिंग का बीच में 8 स्लॉट ये भरा हुआ है, 8 छोड़ देंगे तो 1 से 10, बीच में 8 ये रनिंग का रहेगा, 1 से 10 और फिर 1 से 12। तो उस तरह का मेजरमेंट करके और फिर उसी हिसाब से कोइल बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे स्टार्टिंग कोइल कैसे डालते हैं।